हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रिटिश जर्मन थ्रिलर हॉरर फिल्म के बारे में, जिसका नाम है क्रीप। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर स्मिथ। IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। रॉटेन टमेटोज पर इसका स्कोर है 40% और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लंदन स्विच से। हम दो वर्कर्स को देखते हैं, आर्थर एंड जॉर्ज। वो लोग रेगुलर चेकिंग पर आए थे। आर्थर इस फिल्म में बहुत सालों से काम कर रहा है, तो उसे इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन इस बार जब वो यहाँ पर आता है, उसे एक टूटे हुए दीवार के पीछे एक नया टनल मिलता है। और तो और, वहां से एक अजीब सी श्रील से आवाज भी आ रही थी। आर्थर अंदर जाता है चेक करने, लेकिन जॉर्ज बाहर ही रुक जाता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी और अंदर बहुत पानी था। मगर कुछ देर बाद जब उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो अपने दोस्त को बचाने अंदर जाता है। उसे आर्थर तो मिल जाता है, मगर किसी ने उस पर हमला किया था। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो इतना डरा हुआ था कि वो बता तक नहीं पाता कि किसने उस पर हमला किया है। ठीक उसी वक्त अचानक से ही एक यंग लड़की उनके सामने आ जाती है, जिसकी हालत आर्था से भी खराब थी, और शायद इसी की चिल्लाने की आवाज इतने देर से वो सुन पा रहे थे। मगर जॉर्ज कुछ समझ पाए, कुछ कर पाए इससे पहले ही कोई उसे खींचकर टनल के अंदर गायब हो जाता है अंधेरे में। नेक्स्ट सीन में हम एक पार्टी में एक यंग जर्मन लड़की को देखते हैं, जिसका नाम है केट। वो अपने एक दोस्त के लिए वेट कर रही थी। वो लोग एक साथ कहीं जाने वाले थे, मगर उसे पता चलता है उसकी दोस्त ऑलरेडी रवाना हो चुकी है, तो वो भी निकल पड़ती है उससे मीट करने। और जाते जाते एक लड़के को हल्के से इंसल्ट भी कर जाती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। हम देख पाते हैं केट एक अंडरग्राउंड स्टेशन में जा पहुंचती है। रात बहुत हो चुकी है, तो लास्ट ट्रेन आने ही वाली है, लेकिन टिकट खरीदने के लिए उसके पास चेंज नहीं था, तो वो एक होमलेस लड़की मैंडी से ज्यादा पैसे में टिकट खरीद लेती है और प्लेटफॉर्म पर जाके ट्रेन के लिए वेट करने लगती है। लेकिन पता नहीं कैसे वेट करते करते कब उसकी आंख लग गई थी। जब वो जागती है, तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था। वो तो डर ही गई थी, बट फॉर्चुनेटली उसी वक्त उसे एक खाली ट्रेन मिल जाता है। वो जल्दी से उस ट्रेन पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ और एक व्यक्ति भी ट्रेन बोर्ड करते हैं, मगर ये कौन है हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। ट्रेन चलने लगती है और अचानक से ही बंद भी हो जाती है, और तो और सारे लाइट्स भी ऑफ हो जाते हैं। केट ड्राइवर्स केबिन के पास जाकर आवाज भी लगाती है। उसे पता नहीं चलता अंदर ड्राइवर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। तभी उसे अपने पीछे एक आदमी दिखाई देता है, और ये आदमी था गाय। वो केट को फॉलो कर रहा था उस पार्टी से, और उसने ही लाइट्स ऑफ भी किया था। मतलब कुछ देर पहले हमने जिस व्यक्ति को देखा था ट्रेन बोर्ड करते हुए, वो और कोई नहीं, यही था। वो केट पर रेप अटेम्प्ट करता है। केट चिल्लाने लगती है, और अचानक से ही हम देखते हैं ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कोई गाय को बाहर खींच लेता है। केट बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ट्रेन से उतर कर ट्रैक के ऊपर से भागने लगती है, और फिर से उसी स्टेशन पर जाके पहुंचती है। मगर पता चलता है ये स्टेशन तो कम्प्लीटली लॉक्ड हो चुका है, कोई भी दरवाजा खुला नहीं है। केट बहुत चिल्लाती है, नॉक करती है, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद केट एक कोने में जाके बैठ जाती है, और उसे एक छोटी सी डॉगी दिखाई देती है, जो उस होमलेस लड़की मैंडी के पास थी, जिससे केट ने टिकट खरीदी थी। तो केट मदद पाने के लिए उसी डॉगी का पीछा करती है और पहुंच जाती है इस स्टेशन के स्टोरेज यूनिट में, जहां मैंडी अपने बॉयफ्रेंड जिमी के साथ रहती है। केट उन्हें सब कुछ डिटेल्स में बताती है, मगर वो लोग शायद बिलीव नहीं करते। तो फाइनली केट जिमी को 50 पाउंड्स देती है उसे कंट्रोल रूम तक ले जाने के लिए। वो तो केट को लेकर निकल पड़ता है, मगर उसके जाने के साथ साथ कोई मैंडी पर हमला कर देता है। हम देखते हैं स्टेशन में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, मगर ये हादसे कहीं पर भी कैप्चर्ड नहीं हुई। उधर जिमी और केट को रेल ट्रैक पर गाय मिलता है, जो भयानक घायल हो चुका था। उसके पीठ पर इतना गहरा घाव था, इतना खून बह रहा था, और वो चल भी नहीं पा रहा था। जिमी किसी तरह से उसे प्लेटफॉर्म तक तो ले जाता है, मगर तभी उसे वहां अपनी डॉगी दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है मैंडी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो वो उसे छोड़कर नहीं आती। स्टोरेज यूनिट के सामने से खून का दाग क्लियरली
ट्रैक के तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने मैंडी को मार के उसके शरीर को खींच कर ले गया है। जिमी ट्रैक तक भी उस दाग को फॉलो करता है, मगर उसके बाद उसे और कुछ भी पता नहीं चल पाता मैंडी कहाँ गई। दूसरी तरफ केट समझ नहीं पा रही थी अब वो क्या करे। वो तो इमरजेंसी सर्विस पर भी कॉल करती है, एक बंदा कॉल रिसीव भी करता है, मगर वो कुछ कर पाए इससे पहले ही हम देखते हैं कोई कंट्रोल रूम में घुसकर उसे भी मार डालता है। और एक अजीब बात यह है, जब भी कोई खून हो रहा था वहां पर बहुत सारे चूहे दिखाई दे रही थी। जब केट को स्पीकर पर उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। गाय तो मर ही चुका था, वो समझ चुकी थी अगर वो आज रात यहाँ से नहीं निकल पाई उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो वो फिर से जिमी के पास जाती है, उसे भी वहां पर खून का दाग दिखाई देता है और स्टोरेज यूनिट के अंदर जिमी सुसाइड अटेम्प्ट ले चुका था। केट जल्दी से उसे होश में लाती है, उसे अपनी मदद करने के लिए मना लेती है। वो दोनों ट्रैक के ऊपर से अगले स्टेशन तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मे बी उन्हें वहां कोई गार्ड मिल जाए, मे बी वो लोग निकल पाए। मगर कुछ देर जाने के बाद ही उन्हें अपने पीछे एक ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। केट समझ जाती है ये वही खूनी है, वही पागल। वो किसी तरह से ट्रैक से हटकर एक पैसेज में जा पहुंचती है, मगर जिमी को मैंडी के मौत का बदला लेना था। वो उस ट्रेन पर चढ़ जाता है और उसे भी वहां पर एक बहुत ही श्रील आवाज सुनाई देती है। कोई ट्रेन के छत पर से भाग रहा था। केट जिमी को बार बार मना कर रही थी मगर जिमी नहीं मानता और उसके सामने ही जिमी की भी मौत हो जाती है। मतलब पहले गाय, उसके बाद मैंडी, उसके बाद वो कंट्रोल रूम मैनेजर और अभी जिमी। अभी सिर्फ केट ही बची थी, वो भी अकेली। ये खून कौन कर रहा था ये तो केट देख नहीं पा रही थी, मगर इसके हैवानियत को देखकर केट बहुत ज्यादा डर गई थी। वो ट्रेन से उतरकर फिर से उसी पैसेज से भागने लगती है और फाइनली वो पहुंच जाती है स्विच सिस्टम में जहां से ये फिल्म शुरू हुई थी। उसे एक स्टोरेज रूम के अंदर से वे आउट मिलता है, मगर वो प्लेस भी कम्प्लीटली आइसोलेटेड थी। बिजली भी चली जाती है और केट को भी वही श्रिल वॉइस सुनाई देती है। केट एक कोने में जाकर छुप जाती है, लेकिन उसे भी वो खूनी ढूंढ ही लेता है। टॉर्च के लाइट में हम पहली बार उस खूनी को देख पाते हैं, लेकिन वो कोई इंसान तो नहीं लग रहा था। वो एक अजीब तरह की क्रिएचर थी जो इंसान का शिकार करता था, मारता था और फिर उसे खा जाता था। हम देख पाते हैं कितने भयानक तरीके से वो एक लाश को काटता है और छोटे छोटे पीस करके चूहों को खिला देता है। मगर केट कहाँ है? हम देखते हैं इस क्रिएचर ने एक केज के अंदर कुछ इंसानों को बंदी बनाकर रखा है। यहाँ पर हमें वो स्विच वर्कर जॉर्ज भी दिखता है और केट भी। सिर्फ ये दोनों ही जिंदा थे। जो मर चुका था ये खूनी उसे खींच कर बाहर निकालता है और ऊपर ले जाता है। जॉर्ज केट को कहता है जब तक तुम जिंदा हो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मतलब ये क्रिएचर सिर्फ मरे हुए इंसानों को ही खाता है, मगर कब तक वो यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे? ये पानी इतना ठंडा है, ऊपर से ये चूहे अगर उनके शरीर में एक खरोच तक आई तो ये चूहे तो उन्हें जिंदा ही खा जाएंगे। केट एक प्लान बनाती है। उसे अपने आगे का एक केज खुला हुआ दिखता है, तो वो पानी के अंदर से तैर कर उस केज में जा पहुंचती है, क्योंकि पानी के अंदर ये केज फ्लो टच नहीं कर रहा था। किसी तरह से वो बाहर निकलती है और जॉर्ज को भी फ्री कर लेती है, मगर तभी वहां पर वो क्रिएचर भी आ जाता है और उन पर एक नुकीली चीज से वार भी कर देता है। जॉर्ज को बचाने के लिए केट अपने जूते से उस क्रिएचर को मारने लगती है, जिससे वो कुछ देर के लिए डिसओरिएंटेड हो जाता है। इसी का फायदा लेकर जॉर्ज और केट भाग निकलते हैं और कई सारे टनल्स को क्रॉस करके वो लोग एक सेक्शन में जा पहुंचते हैं जो एक अबांडेंड सर्जरी साइट था। यहां तक आते आते उन्हें ऑलरेडी एक लड़की की लाश मिल चुकी थी जिसे इस क्रिएचर ने ही बहुत ही भयानक तरीके से मारा था। अंदर उन्हें कुछ बच्चों की बेड्स और फिटसेस, सर्जरी अरेंजमेंट्स और ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई मैंडी दिखाई देती है जो शायद मर चुकी थी। केट को बहुत खराब लगता है, उसके वजह से ही मैंडी को मरना पड़ा, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें अपनी जान बचानी थी। लेकिन वो लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ पर तो सारे एग्जिट्स सील किया गया है। वो दोनों मिलके एक दीवार को तोड़ देते हैं जिसके पीछे वे आउट टनल था। वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वो क्रिएचर देख लेता है और वो भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। लेकिन उसे अपने पीछे मैंडी की आवाज सुनाई देती है, मतलब वो जिंदा थी। तो ये क्रिएचर अपना अधूरा काम पूरा करने जाता है। वो बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह सब कुछ रेडी करता है, गाउन पहनता है, ग्लव्स पहनता है और झूठ मूठ का हाथ भी डिसइंफेक्ट करता है, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन के पहले करते हैं।
और उसके बाद एक बोन कटर लेके मैंडी के शरीर के अंदर डाल देता है, जिससे मैंडी की मौत हो जाती है। मगर इसके बाद भी वो नहीं रुकता, बार बार स्टैब करता ही रहता है, जब तक उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बांट नहीं जाता। उधर जॉर्ज और केट भागते भागते एक क्लोज्ड ट्रैक पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें एक अबैंडन्ड रेल कार मिलता है, जो शायद उसी क्रिएचर का घर था। अंदर उन्हें जिमी की डॉगी मिलती है, जिसे उसने एक बर्ड केज में लॉक करके रखा था। केट उसे फ्री कर देती है और उसे वहां पर एक फोटो भी मिलती है, एक ओल्ड डॉक्टर का, जिसके साथ एक बच्चा भी था जो इसी क्रिएचर की तरह दिख रहा था। लेकिन उनके पास इन सब चीजों को एनालाइज करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था, उन्हें तो भागना था। मगर वो क्रिएचर उन्हें जाने देता बुना। वो जॉर्ज पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार जॉर्ज उसे काबू कर लेता है और उसे इतना मारता है कि वो रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ने के लिए। उसे सुनकर केट को उस पर बहुत दया आता है और वो उसे मार नहीं पाती, लेकिन असल में वो मैंडी के बातों की इमिटेट कर रहा था। उसे तो इन बातों का मतलब भी नहीं पता था। जैसे ही जॉर्ज और केट का ध्यान भटकता है, ये क्रिएचर जॉर्ज को भी मार डालता है। मतलब फिर से केट अकेली ही जिंदा रह गई थी। वो उस कार से निकलकर भागने लगती है और आगे उसे एक एग्जिट दिखता है, जहां से ट्रेन चल रही थी। तो केट उसी तरफ आगे बढ़ती है, मगर वो क्रिएचर उसका रास्ता रोक लेता है, उसे मारने लगता है और खींचकर फिर से उसी भुलभुलैया में वापस ले जाने की कोशिश करता है। केट को उसके हाथ पर एक टैग दिखता है, जिस पर क्रेग लिखा हुआ था। शायद ये इसी क्रिएचर का नाम है। उसे नाम से बुलाते ही क्रेग थोड़ा सा सहम जाता है, अपने ही नाम को बार बार बोलने लगता है। उसकी इसी हालत का फायदा लेकर केट भी एक हुक उसके गले पर लगा देती है और उससे लगे चेन को खींचकर ट्रैक पर जाकर फेंक देती है। देखते ही देखते उस ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है, उस चेन पर प्रेशर पड़ता है और क्रेग का गला पूरा का पूरा कट जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। हम केट को देखते हैं, पूरी रात फाइट करने के बाद उसकी हालत भी बिल्कुल मैंडी की तरह ही हो चुकी थी, उन होमलेस पीपल की तरह हो चुकी थी जिनके तरफ वो देखती भी नहीं थी। लेकिन आज रात उसके जैसे एक सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड पर्सन के लिए ही उनमें से दोनों की मौत हुई थी, ये बात वो कभी भी नहीं भूल सकती। वो किसी तरह से अगले स्टेशन पर जा पहुंचती है, जो खुल चुका था क्योंकि सुबह हो चुकी थी और लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। उनमें से एक पैसेंजर उसे कुछ पैसा भीख देते हैं, ऐसी हालत हो चुकी थी उसकी। और इन सब में दी ओनली पॉजिटिव पार्ट इज वो डॉगी बच गई थी, मतलब क्रेग इस बेजुबान जानवर को हर्ट नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी, ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, मगर सवाल ये है, ये क्रेग है कौन और वो क्यों रात के अंधेरे में इन सबों इसको हॉन्ट करता था? दोस्तों, मुझे लगता है उस अबैंडन्ड सर्जरी साइट में जरूर इलीगल अबॉर्शन प्रैक्टिस किया जाता था और उन फीटसेस से ही कुछ डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिसका नतीजा है क्रेग जैसे इनह्यूमन। हमें उन सेक्शन में बहुत सारे स्टोर्ड फीटसेस नजर आए थे, 3 बच्चों की बेड्स भी जिन पर नाम लिखा हुआ था, और उस फोटो में उस डॉक्टर के साथ क्रेग भी तो था, जिसे हम गेस कर सकते हैं जरूर बाकी का टेस्ट रिजल्ट सर्वाइव नहीं कर पाए या फिर उन डॉक्टर्स ने ही मार डाला। शायद सिर्फ क्रेग ही बच गया था और वो उन डॉक्टर्स को मार डाला और खा लिया, इसीलिए उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वैसे भी वो मैक्सिमम अबैंडन्ड हिस्सों में ही काम करता था और सीसीटीवी से दूर रहता था। इतने सालों से वो सर्वाइव कर पा रहा था, मतलब उसे रेगुलर खाना मिलता था। वो अचानक से ही हमला करता था और वो काफी स्ट्रांग भी था, इसीलिए कोई उसके हाथ से बच नहीं पाया। सिर्फ मेंटली वो थोड़ा सा वीक था और इसी का फायदा लेकर केट उसे मार पाई। दोस्तों, ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म, स्टोरी लाइन काफी एंगेजिंग है, सिर्फ अगर क्रेग के बारे में और ज्यादा कुछ डिटेल्स मिलता तो बेहतर होता, बट ओवरऑल इट्स रियली एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग, और यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।